अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सारी बिज़नेस इंफॉर्मेशन डाल सकते हो अपनी शॉप की, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट अगर है तो आप डाल सकते हो। यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके बिल पे प्रिंट होगी। ये कस्टमर सेक्शन है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास उधार या क्रेडिट वाले हैं तो उनकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनका बैलेंस अगर प्रीवियस पे है। इसके अलावा पिक्चर अटैच करके आप सेव कर सकते हो। इसी तरह सप्लायर्स जिनसे आप चीज़ें खरीदते हो उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और प्रीवियस अगर कोई बैलेंस आपने देना है उनका, तो वो और उनका जो है पिक्चर अटैच करके आप उनको सेव कर सकते हो। इसमें टैक्स ऑप्शन भी है। टैक्स आप सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो आप टैक्स इनवॉइस भी इसलिए निकाल सकते हो। वेयर हाउस मैनेजमेंट, यहाँ से अगर शॉप के आपका कोई वेयर हाउस है तो उसका नेम और एड्रेस एंटर करके सेव कर देंगे। शेल्फ ऑप्शन, शेल्फ ज़्यादातर बड़ी जो होते हैं मार्ट उनमें होता है, ठीक है, कि आपके पास शेल्फ बने होंगे कि हर शेल्फ में प्रोडक्ट पड़ी होती, तो आप यहाँ से शेल्फ मैनेजमेंट भी कर सकते हो कि किस शेल्फ में कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। आइटम इंफॉर्मेशन में आते हैं हम। यहाँ से आप आइटम इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। बिल्कुल, मैं कोई एक आइटम खोल लेता हूँ। आइटम नेम एंटर करेंगे, पीसीस, कैटेगरी आप यहाँ से प्लस के साइन पे ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप सेक्शन सेलेक्ट कर लोगे। बार कोड या ऑटो जनरेट कर देता है। परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्री ऑर्डर पॉइंट, ये ऑप्शनल है, ठीक है, कि आपने कितने पे क्वांटिटी मंगवानी है। वेयर हाउस सेलेक्ट करके और ओपनिंग यूनिट यानी आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, और अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास एक्सपायर होने वाली है, जैसे फूड आइटम्स होती हैं वो एक्सपायर होने वाली होती है, आप उनकी एक्सपायरी डेट भी सेलेक्ट करके और इमेज अटैच करके उस आइटम को सेव कर सकते हो, ठीक है। एक आइटम आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ से आपके पास सारा स्टॉक आ रहा होता है, ठीक है, वो चाहे एक आइटम है, एक लाख आइटम है, जितनी भी हो। इंपोर्ट, अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है और उसमें आप डाटा एंटर करते हो तो वही पूरी की पूरी शीट इस पर आप लोड कर सकते हो। आपके लिए आइटम बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारकोड यहाँ से जनरेट हो जाता है, आप उसका प्रिंट ले सकते हो किसी भी आइटम के बारकोड का। ठीक है, एक पेज इस पे जिन्हें भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। स्टॉक में हमारे पास स्टॉक डिटेल आ जाती है सारी। एक्सपायर आइटम हमारे पास कौन सी हैं, बैड स्टॉक कौन सा है, स्टॉक एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना, वो ऑप्शन इसमें है। बिलिंग सेक्शन हमारे पास दो तरीक़ों से है। हम आते हैं यहाँ से बिल की तरफ। यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। बिल फर्ज में यहाँ से आइटम सेलेक्ट करता हूँ। पेमेंट उसे कितनी आई है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एंटर कर लोगे तो बाकी ड्यू में चला जाएगा और इसी तरह आप उसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो। ये A4 साइज पे इसका प्रिंट निकलता है। अब हम आते हैं छोटे बिल की तरफ, जिसको आप 4 इंच की रसीद कहते हो उसकी तरफ। उसका बिल निकालना नहायत आसान है। आप यहाँ से कैटेगरी में जाओगे, आइटम पर क्लिक करोगे तो आपके पास वो आइटम ऐड हो जाएगी। कस्टमर यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कस्टमर आपसे जो है चीज़ उधार पे लेके जा रहा है और कितने की है। बिल्कुल, मैं 500 कह देता हूं, ठीक है, तो 500 पेमेंट आई है मेरे पास और 320 ड्यू में चला गया। और इसका मैं प्रिंट लूँगा तो ये थर्मल प्रिंटर पे छोटी रसीद इसकी निकल आएगी। इसके अलावा आप इससे बार कोड के जरिए भी प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हो और टाइप करके मैनुअली भी आप इसका बिल निकाल सकते हो। 3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास बिल निकालने की। इसके अलावा इनवाइस लिस्ट आपके पास आ जाती है, कितनी इनवाइस जनरेट हुई हैं डेट में। परचेजेस,
आपका टोटल रिकॉर्ड इसमें आ जाता है, परचेज लिस्ट आ जाती है। कोई प्रोडक्ट अगर आपके पास क्लाइंट रिटर्न लेके आता है वापस, तो आप यहाँ से उसको रिटर्न में डाल के या परचेज रिटर्न करके उसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट कलेक्शन, कोई बंदा आपके पास बिल लेके आता है और अपनी बकाया पेमेंट देना चाहता है, तो आप यहाँ से इनवाइस नंबर एंटर करके उसका बैलेंस लिख के उसको सेव कर देंगे, तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा। इसी तरह पेमेंट, जो आपने बिल पेमेंट देनी होती है उसका रिकॉर्ड भी कहाँ से सेव कर सकते हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसमें हो जाती है, उनकी डेली अटेंडेंस, उनकी पेमेंट यानी सैलरीज यहाँ से मैनेज हो जाती है। एक्सपेंसेस आपके शॉप के बिल, हर चीज़ जो उसमें एक्सपेंसेस डेली के आप उसमें मैनेज कर सकते हो। अब हम आते हैं रिपोर्टिंग की चाले। रिपोर्ट्स में आपके पास आइटम्स यानी इन्वेंट्री आपके पास कौन सी पड़ी हुई है, कितनी पड़ी है, आइटम वाइज भी आप चेक कर सकते हो और ग्रुप वाइज भी उसको चेक कर सकते हैं। स्टॉक आपके पास टोटल आ जाता है कि आप उसको किस तरह चेक करना चाहते हो, यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। सेल्स आपके पास आ जाती है कि आपके पास डेली कितनी सेल हुई है, वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो उसमें, ठीक है। टोटल सेल आपकी इतनी थी, डिस्काउंट आपने कोई नहीं दिया, ड्यू 5,070 रुपया बकाया है, ठीक है, जो आपने वसूल करने हैं। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी नज़र आ जाता है आपको, वो भी यही शो कर जाता है ऐसे, ठीक है। कस्टमर वाइज भी आप देख सकते हो कि किस कस्टमर का कितना पेंडिंग बैलेंस है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ उसने परचेज नहीं की है तो जीरो आ जाएगा। इसके अलावा रिटर्न, क्रेडिट, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, इसकी रिपोर्ट्स इसमें आ जाती है। एडमिन सेक्शन में अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप उसको एक्सेस देना चाहते हो या वो बिल निकालना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से उसकी एक्सेस देके उसका एक यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो और उसको क्या क्या एक्सेस आप देना चाह रहे हो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ से लैंग्वेज, इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी बात जो है ये 100 लैंग्वेजेस पे, 100 लैंग्वेजेस पे ही काम करता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करें, इंग्लिश में करें, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ से डेटाबेस रीसेट हो जाती है, ठीक है। बिलफर्ज अगर आपने एंट्रीज गलत कर दी सारी, आप डेटाबेस रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी डेटाबेस भी रीसेट कर सकते हो। इसमें बिल बनाना नहायत ही आसान है। इसके अलावा इसमें जो बोनस फीचर्स हैं वो ये है कि एक तो प्रोडक्ट एक्सपायरी आपको पता लग जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता लग जाता है, और इसको आसान यूज़ करना नहायत ही आसान है, ठीक है। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, कोई चेंजेस इसमें मजीद भी अगर आप करवाना चाहें तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है।